अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप लोगों को पता है और पहले भी मैंने वीडियोस डाली हैं, कमांडर सिटी का जो स्पोर्ट्स वीक हो रहा है, तो आज हमारा स्पोर्ट्स वीक का जो थर्ड डे था वो लास्ट डे था। तो आज लास्ट डे हमारी जो है बच्चों ने, कमांडर पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स ने हॉर्स राइडिंग की है, घोड़ा सवारी की है और उसके ऊपर मुकाबला हुआ है। और मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स दिखाऊंगी अब आगे चल के कि बच्चे किस तरीके से इतने मज़े से जो है ना वो घोड़ा चला रहे हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं। और मैंने जो था ये बच्चों को इस तरीके से अपने स्कूल के बच्चों को चलाते हुए फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो मैं बहुत हैरान भी थी और शॉक भी थी और एक्साइटेड भी थी कि बच्चे इतने मज़े से पूरे घोड़े को संभाल के उसको सही, मतलब जैसे दौड़ लगवाते हैं ना उस तरीके से उसको भगा रहे थे। और माशाल्लाह बहुत हसीन और बहुत प्यारे लग रहे थे, घोड़ा भी भागता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे कमांडर पिपली स्कूल के जो स्टूडेंट बैठे हुए थे उसके ऊपर वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखें, ये फर्स्ट जो हमारा है, इन बच्चे का नाम है फैज़ान। फैज़ान पहले ख़ुद से कर रहे हैं। इसमें जो गेम होता है उसमें ये देखा जाता है कि आपने घोड़े को कैसे संभाला हुआ है, घोड़े की चाल कैसी है, घोड़ा कितना तेज़ भाग रहा है, घोड़े की ब्रेक कैसे है, मतलब जहाँ पे रोकना है वहाँ पे रुक जाता है, घोड़े पे आपका पूरा कमांड कितना है। तो उस हिसाब से जो घोड़ा सिखाने वाले होते हैं, घोड़ा चलाने वाले, तो वही जज कर पा रहे थे उस बारीकियों को कि जो बच्चे घोड़ा चला रहे हैं वो सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे। तो इस तरीके से जो जो हमारा मुकाबला हुआ था वो जिना हाउस में और इकबाल हाउस में हुआ था। दो हमारे हाउसेस थे, एक का नाम था जिना हाउस और एक था इकबाल हाउस। तो इसमें तकरीबन हमारे दो बच्चे जो थे जिना हाउस के थे और दो बच्चे जो थे इकबाल हाउस के थे। तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन था और बच्चे देखे कितने मज़े से, क्या नाम है ना, ये चला रहे हैं, मज़े से इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। अभी इसके आगे उसको और तेज़ भगाने के लिए इसके आगे एक और घोड़ा लगेगा, जो ट्रेनिंग वाला मतलब जो ट्रेनिंग देते हैं ना वो वाले घोड़ा लगेगा। घोड़े को देख के घोड़ा भागता है, अकेला घोड़ा भागे ना तो इतना तेज़ नहीं भागता, लेकिन घोड़े के साथ एक कह रहे हैं एक और अगर घोड़ा भाग रहा हो तो उसको देख के ना देख के तो वो सही दौड़ लगाता है। तो इसी तरीके से जो हॉर्स ट्रेनिंग वाले थे, अभी ये देखें आगे जो है वो घोड़े वाला जो सिखाने वाले हैं अंकल भाई वो चला रहे हैं और पीछे जो है हमारे स्टूडेंट चला रहे हैं, ताकि वो घोड़ा जो तेज़ भाग रहा है उसको देख के पीछे वाला घोड़ा भी कितना तेज़ी में ये भाग रहा है। ये देखें आप, स्टूडेंट ने उन्हें कितने मज़े से चला रहे हैं। और सच में इनको देख के तो हमारा भी दिल कर रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था कि वह घोड़ा चलाएँ, लेकिन घोड़े पर बैठते हुए डर लगता है कि गिर ही ना जाएँ। लेकिन जिन्होंने इनको सिखाया वो यही कह रहे थे कि बच्चे शुरू में बहुत दफ़ा गिरे हैं लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और बच्चों ने करके दिखाया है। अब ये एक और हमारे स्टूडेंट आ गए हैं, इसी तरीके से वन बाय वन बाकी सारे स्टूडेंट्स आएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखें और इन्जॉय करें और जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि आगे आने वाली कमांडर सिटी की न्यू वीडियोज़ आप लोगों तक मैं लेकर आती रहूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप लोग वीडियो देखें, इन्जॉय करें।